टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में मोहम्मद आमिर की वापसी और बाबर आजम बने पाकिस्तान टीम के कप्तान। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 16 सदस्य स्क्वाड का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, आखिरकार इसी साल खेली जाने वाली टी20 वर्ल्ड कप के लिए कैसी है पाकिस्तान की 16 सदस्य स्क्वाड और मिला है किन किन खिलाड़ियों को मौका, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी साल वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम अपनी तैयारियों में जुटी है। आपको बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग खेली जा रही है। शाहीन अफरीदी की पीएसएल में खराब कप्तानी के बाद अब उन्हें पाकिस्तान टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है। यानी टी20 वर्ल्ड कप में अब शाहीन अफरीदी सिर्फ एक गेंदबाज के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। इसी साल होने वाली टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप 2024 की कप्तानी शाहीन अफरीदी से छीनकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में से किसी एक को दी जा सकती है। सबसे ऊपर नाम बाबर आजम का आ रहा है। हालांकि इस रेस में मोहम्मद रिजवान भी बाबर आजम से ज्यादा पीछे नहीं है और इसके अलावा मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम में शामिल होने जा रहे हैं। रिटायरमेंट ले चुके मोहम्मद आमिर की वापसी के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी से लेकर सेलेक्टर वहाब रियाज तक सभी ने मोहम्मद आमिर की वापसी को लेकर जंग छेड़ दी है और सभी मोहम्मद आमिर की वापसी के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान की 16 सदस्य स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। तो आइए देखते हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए कैसी है पाकिस्तान की 16 सदस्य स्क्वाड, बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेंगे। इसके अलावा टीम में फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, सैम अय्यूब, आजम खान, साहिब ज़ादा, फरहान, सादाब खान, मोहम्मद नवाज, आमिर जमाल, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हरीश रऊफ, जमान खान और अबरार अहमद। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हो सकती है टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 16 सदस्य स्क्वाड। तो दोस्तों आपके मुताबिक इस स्क्वाड में और किन किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।